मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रशासन गांवों के संघ या प्रशासन शहर के संघ अभियान द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। शहरों में पट्टों से संबंधित अन्य कार्य किए जाएंगे। गांव में चलने वाले प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत जमीन से जुड़े हुए, पंचायत राज से जुड़े हुए काम करवाए जाएंगे। इसके अलावा 21 विभाग अभियान के अंदर है, जैसे बिजली, पानी, पट्टा आदि विभिन्न समस्याओं का मौके पर निर्धारण किया जाएगा। विभिन्न स्कीमों की जानकारी लोगों को देना है, साथ ही सरकारी विभाग के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। कैंप में अधिक से अधिक पट्टे जारी करने का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि अधिकारी उत्साहित है, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के आधार पर प्लान बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने भी अभियान चलाया था और फॉर्मेलिटी पूरी की थी। हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे, हम जनता को फ़ायदा देना चाहते हैं। पुराने कानूनों में परिवर्तन किया गया है ताकि जनता को परेशानी ना हो। अब लोग ऑनलाइन में भी पट्टा ले सकते हैं, घर बैठे पट्टा ले सकते हैं। किस किस तरीके की बातें विधायकों की तरफ से सामने आ रही हैं? देखिए, प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहर के संघ दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि लोगों को उनके घर पर जाके हम राहत दें। प्रशासन शहर के संघ, शहरों के अंदर लोगों को ज़्यादातर समस्याएँ पट्टों से रिलेटेड है या जितने भी विभाग हैं जिनकी स्कीमें हैं उनको लेके हैं, उनके लिए अभियान के अंदर काम किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रशासन गांव के संग अभियान चलेगा, जिसमें भी जमीन से जुड़े हुए काम हैं, पंचायती राज के काम हैं। इसके अलावा 21 विभाग इसके अंदर हैं, जिनसे जुड़ी हुई विभिन्न स्कीमों की जानकारी लोगों को देना, लोगों की बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है या किसी भी डिपार्टमेंट की जो समस्या है उसका मौके पे ही निस्तारण करने का रखा गया है। बहुत ही मैं ये कहना चाहूँगा, इससे आम जनता को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिस पट्टे के लिए हम चक्कर लगाते रहते हैं अधिकारियों के, विभागों के, वो पट्टा आपको घर पे मिलेगा। आपके वार्ड के अंदर कैंप लगेंगे जहाँ वो पट्टा मिलेगा, गाँव के अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ सरकारी विभागों के लिए ज़मीन का आवंटन है, रास्तों की बात है, इस प्रकार की भी चीज़ें जो रोज़ाना रूटीन की चीज़ें हैं जिनकी वजह से आमजन परेशान होता है, उनके अंदर बहुत बड़ी रिलीफ इस कैंप के माध्यम से जनता को दी जाएगी। जो लक्ष्य टारगेट अगर विभागों की बात करें, देखिए पहली बार ऐसा है कि अधिकारियों के अंदर उत्साह है, सब लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, प्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं सभी वार्डों के अंदर जाके, गाँव के अंदर जाके आम जनता से पूछ के किसकी क्या समस्या है, किसको किस प्रकार की ज़रूरतें, उनके आधार पर ही प्लान बनाया जा रहा है। और जो टारगेट हैं, हम प्रयास ये करेंगे कि हम टारगेट से अधिक पट्टे दें। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहर के संघ अभियान चला था, अलवर के अंदर 20,000 से अधिक पट्टे उस समय सरकार ने दिए थे। पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने भी अभियान चलाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1,000 के आंकड़े में वो लोग नहीं पहुँच पाए, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की थी। हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, हम जनता को लाभ देना चाहते हैं, फायदा देना चाहते हैं। इतने जो पुराने कानून हैं उनके अंदर संशोधन किए गए हैं कि छोटी छोटी अड़चनें जो लोगों के सामने आती है उन सब से उन लोगों को मुक्ति मिल सके और सिंगल विंडो टाइप काम हो कि आप अप्लाई करें और आपको पट्टा मिले। और दिल्ली में बैठा आदमी पट्टा ले सकता है, अपने घर में बैठ के भी पट्टा ले सकता है, ऑफलाइन भी वो पट्टा ले सकता है, अपने एप्लीकेशन लगाए और डिपार्टमेंट उसको पट्टा देगा।